नमस्कार बच्चों। ओके तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 का। आपका जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है लास्ट में, जब आप अपने पहले लेसन जो सॉलिड स्टेट है उसके लास्ट पेज में जाएंगे तो देखेंगे अतिरिक्त अभ्यास दिया हुआ है, यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। इसके प्रीवियस क्लासेज में हमने सारे थिएट्रिकल पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और पाठों के अंदर जो निहित क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1.1 का जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको। कह रहा है अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए, अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। ओके, इंग्लिश में भी वही कह रहा है, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, पेज नंबर है आपका 32, सबसे लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ठोसों के दो प्रकार हमने पढ़ा था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, है ना। अब उसमें आपसे पूछा हुआ है कि अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए, यानी अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे ठोस ना जिनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होती है या कोई निश्चित विन्यास नहीं होता है, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, और इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, यानी इनके जो अवयवी कण होते हैं, अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयन भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इनके अवयवी कण होंगे वो व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, है ना, अव्यवस्थित होते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह लघु परासी व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और इनका एक कोई भी निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ये आपका मेन पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू टाइप में बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो इनका कोई भी निश्चित गलनांक नहीं होता है, सिंपल इसी को लिख देना है हमको। ठीक है, तो क्या हमने समझा कि अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा, बोल दे रहा हूं मैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस हैं जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार या विन्यास नहीं होता है। ठीक है, ये लघु परासी होते हैं, यानी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ओके, इनका जो है निश्चित गलनांक नहीं होता है, क्लियर है। और कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दे दीजिए, तो उदाहरण आप जानते भी हैं क्या होगा, कांच हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा और रबर हो जाएगा, है ना, और भी बहुत सारे हैं जिनका कोई भी निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे तो लिख दूं क्या, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, चलिए लिख दे रहे हैं। Amorphous solids are those, लिख लिए, those substances, ठीक है, amorphous solids are those substances in which there is no regular arrangement, ठीक है, of its constituent particles, that is क्या हो सकते हैं, constituent particles आपके आयन हो सकते हैं, atoms हो सकते हैं and molecules भी हो सकते हैं, है ना। देखिए कह रहा है amorphous solids are those substances, यानी जो amorphous solids हैं अक्रिस्टलीय ठोस, वे पदार्थ होते हैं
इन विच देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट, जिनके बीच कोई भी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जिनके अवयवी कण, लिख लिए यहां तक ओके, इनके अवयवी कण दी अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लिख लिए कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स ओके हैज ओनली शॉर्ट रेंज, हैज ओनली शॉर्ट रेंज। इट मीन्स ये हुआ कि देखिए कह रहे हैं मार्फर सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेज इन विच देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैज ओनली शॉर्ट रेंज ओके, लघु परासी होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ऑर्डर भी लिख सकते हैं आगे क्रम में होते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखिए दैट इज अ रेगुलर एंड रेगुलर एंड पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न, पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये लघु परासी होते हैं और एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में यानी एक निश्चित ऑर्डर में व्यवस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए ऑब्जर्व ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज, ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज ओनली, है ना। देखिए यही चीज हिंदी में भी लिख लेनी है ना, और फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दैट इज ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक ओके, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। यानी एमॉर्फस सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंसेज इन विच देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ओके। द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर दैट इज अ रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज ओनली, इनका बहुत ही छोटा निश्चित क्रम नहीं होता है, ये लघु परासी होते हैं ना, और इट हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनका कोई भी निश्चित गलनांक नहीं होता है ओके। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 1.1 कंप्लीट होता है ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर।